بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله خاتم النبيين ورحمة العالمين. एक डेफिशिएंट कॉर्नर है हमारे स्टूडेंट्स की स्टडी में, उसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, पर्टिकुलरली द एवरेज स्टूडेंट्स, दे आर नेग्लिजेंट ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू गेट थ्रू दिस एग्जामिनेशन. कौन सा वो शोबा है जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट होते हैं और नेग्लिजेंट होते हैं, एंड दे आर नॉट टेकिंग फुल कॉग्निजेंस ऑफ दैट. जनरली द एवरेज स्टूडेंट्स दे कन्फ्रंट विद, वो एरिया है कि दे आर वेरी वीक इन द राइटिंग स्किल्स. ग्रामेटिकली दे मे बी रॉन्ग, एनालिटिकली दे मे बी रॉन्ग, वोकैबुलरी और द इडियोमेटिक एक्सप्रेशन दे मे बी रॉन्ग, एंड ओवरऑल देयर इम्प्रेशन विद दे वॉन्ट टू क्रिएट ऑन द एग्जामिनर, आई मीन द वेरी फर्स्ट फ्यू लाइन्स स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द लेवल ऑफ द कैंडिडेट टू द एग्जामिनर. तो बात यह है कि आर यू इक्विप्ड विद दैट एंड यू आर वेल वर्स्ड इन दैट राइटिंग स्किल और नॉट, आर यू गिविंग दैट मच इम्पोर्टेंस इफ दिस डेफिशिएंसी इज देयर विद यू, हैव यू आइडेंटिफाइड योर डेफिशिएंसी इन द राइटिंग स्किल, इफ यू हैव आइडेंटिफाइड आर यू मेकिंग ऑल आउट एफर्ट टू मेक अप दैट डेफिशिएंसी, इफ यू आर नॉट डूइंग दैट यू आर नॉट प्रिपेयरिंग दिस सी एस एस और एनी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रॉपरली. इसलिए कि आपका मुकाबला बेशुमार लोगों के साथ है जो कि मुमकिन है अच्छी राइटिंग स्किल उनके पास हो, यू आर कम्पीटिंग विद दैम. तो लिहाजा पहली बात तो ये है कि यू हैव टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल. अब यह दो तीन एरियाज में इम्प्रूव करनी होती. पहली तो बात यह है कि ग्रामेटिकली यू शुड बी करेक्ट. नंबर टू, एनालिटिकल एबिलिटी आप में डेवलप हो चुकी है. नंबर थ्री, आपके जो क्वालिटी आंसर जो है वो देने की सलाहियत है. व्हाट मीन बाय क्वालिटी आंसर? क्वालिटी आंसर कहते हैं कि आप इंटरनेशनल बुक्स, पर्सनैलिटीज या इंटरनेशनल एनालिसिस जो हो चुके हैं उनको अप्रोप्रिएटली आप रेफर कर रहे हैं अपने राइटअप में. अगर ये चीजें मौजूद हैं तो यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट दैट योर आंसर इज अ क्वालिटी आंसर. अगला सवाल होता है ये पैदा कैसे किया जाए. तो पैदा करने के लिए मैं कहता हूं, जिस स्टूडेंट ने सिर्फ सुना, कोई यूट्यूब के लेक्चर सुन लिए, किसी मेंटोर का सुन लिया, एकेडमी ज्वाइन कर ली, वहां से लेक्चर सुन लिया, या कोई किताब पढ़ ली कि जी मेरी तैयारी हो गई, मेरे हिसाब से उसकी 1% भी तैयारी नहीं. ये मैं बहुत एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहा हूं, इसलिए कि इतना कुछ सुनने के बाद उसे अगर मैं कहूं कि आप इस टॉपिक का क्रिटिकल एनालिसिस करें, आई डोंट बिलीव ही और शी विल बी एबल टू डू दैट. लेकिन जिस शख्स ने जो उस दिन सुना है उस डे को, अब मैं बता रहा हूं कि असल कामयाबी और नाकामी का फर्क क्या है. जो एक दिन में आपने सुना एक टॉपिक को, आपने उसके बारे में पढ़ लिया, उसके बारे में यूट्यूब से लेक्चर भी सुन लिया, और शाम को आपने अपने अल्फाज में सारा को रिकॉल करके पेपर पर लिख दिया और वो सारे पॉइंट लिख दिए जो आपने सुने हैं, यू मस्ट बी श्योर दैट यू हैव प्रिपेयर्ड दैट आर्टिकल और दैट सब्जेक्ट और दैट चैप्टर और दैट क्वेश्चन. अगर आपने लिखा नहीं है, आपने कुछ भी नहीं किया, तो लिहाजा जो चीज स्टडी करें आज के बाद आपने वो ऐसे लिखना है जैसे एक बहुत मुकद्दस चीज है. क्योंकि ये सारी मैं उसकी साइकोलॉजी नहीं बताने लगा कि लिखने से होगा क्या, बस मैं ये बताता हूं कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द सिंगुलरली इंपॉर्टेंट पॉइंट टू गेट थ्रू द एनी एग्जामिनेशन. फिर आप देखिए कि एग्जामिनेशन हॉल में आपकी स्पीड कितनी होती है, कितना फ्लुएंटली लिखते हैं, कितना उसी टाइम फ्रेम में 3 आवर्स में बाकी लोगों से दुगना लिखते हैं, इसलिए कि आपने तो 1 साल प्रैक्टिस ही लिखने की. फ्लुएंसी किसकी डेवलप होगी, स्पेलिंग किसके ठीक होंगे, ग्रामर किसकी ठीक होगी, रेफरेंसेस किसके ठीक होंगे, जो 1 साल से ये काम कर रहा है, 1 साल से. और 1 साल के कितने दिन होते हैं, 365 दिन. 365 दिन उसने 365 आर्टिकल लिखे होते हैं उसने. ये मैं आपको राज बता रहा हूं. अगर आप पास होना चाहते हैं, आज से जो चीज आपने सीखी, बीमारी की हालत में भी लिखकर सोना है. आप 22 स्केल के कैंडिडेट हैं, यू आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू अदर ब्लडी थिंग्स. मैं वो ड्रामा नहीं छोड़ सकती थी,
मैं वो आ गए थे गेस्ट, उनसे मीटिंग नहीं छोड़ सकती थी। यू कैन सेक्रीफाइस एवरीथिंग बट नॉट टू राइट दैट पीस ऑफ पेपर। इसलिए कि आप पाकिस्तान के एक बहुत बड़े स्लॉट के लिए अपने आप को काबिल कर रही हैं, वाई स्केल की सीट के लिए। दिस इज नॉट ऑर्डिनरी टास्क। यू आर आई मीन एक्सटेंडिंग ऑर्डिनरी स्टाइल, ऑर्डिनरी एफिसेज, ऑर्डिनरी अप्रोच, ऑर्डिनरी डीलिंग, एंड यू आर गोइंग टू अपियर इन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जामिनेशन। हाउ इज इट पॉसिबल? एंड वेन यू क्वालिफाई, योर जॉब इज डन, कोई आपके आगे नहीं लगेगा। 10 PhD भी को करके आ जाए, आपने 2025 के CSS में या 2026 के CSS में क्वालिफाई कर लिया, यू मे बी सेकंड क्लास ग्रेजुएट। आपके आगे कोई बंदा नहीं सीनियर लग सकता कि जी इसने कनाडा से या हार्वर्ड से PhD की हुई है तो इसको आगे लगा दे। नो, यू विल बी कंसिडर सीनियर। एंड इफ यू आर डन दिस आई मीन इन योर mid-20s, यू विल रिटायर इन grade 22, मीन सेक्टरी टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। Secretary to the government of Pakistan means you are daily talking to the Prime Minister. When the Prime Minister is visiting abroad, you are accompanying him. This is your level. Ye 17 grade ki selection nahi hai jo CSS hai. But this demands, I mean, the capacity building. Ki aap duniya ki cheezon ko isi andaaz se dekhna hai. Ki usme knowledge hai, usme critical analysis hai, usme references hai. आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इंग्लिश लैंग्वेज है, इसके लिए 1-2 साल लगा लेना, नो प्रॉब्लम। एक मिडिल क्लास का बंदा जो कि 13-15,000 के लिए किस्तें करवा रहा है, ही और शी इज बिकमिंग ए बिग गन, आई मीन विद इन फ्यू इयर्स। छोटी बात है, द पॉइंट इज दिस इज योर एफर्ट एंड अल्लाह सेज आई रिवार्ड एफर्ट। जरा अल्लाह को देख लिया करें, हर चीज को कुरान के साथ, आप मैं बताऊं कुरान के साथ लिंकअप करना देख लें, अल्लाह का क्या फैसला है। काम दुनिया दुनिया में वो हो रहे हैं जो अल्लाह चाहता है, ये भी मैं आपको बता दूं। उससे कोई चीज छुपी नहीं हुई, उसने दुनिया में तरक्की का राज उसने बताए हुए हैं। उसने ये क्यों कह दिया कि आई रिवार्ड एफर्ट? उसने ये कहा कि वो मुसलमान होना जरूरी है? दिस इज गॉड, ही द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, ही द क्रिएटर ऑफ एवरी इंडिविजुअल, इवन द एथिस्ट। But he gives the main principle of the universe on which this universe is standing. I will reward the effort, whosoever makes it. If the Muslims don't make effort, they will be subdued. They will be subject of those who are making effort. This is going on. Kalma padhne se ya Islami naam rakhne se, aap dunya ke mumtaz leader nahi ho sakte. Isliye ke there is a universal principle. Allah says, I reward the effort. और फिर अगर कोई माशरा या कौम के हवाले से गालिब कौन होता है, उसका भी उसूल बता दिया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। हम किसी कौम के हालात नहीं बदलते जब तक कौम अपने औसाफ न बदले। अगेन, इट इज द एफर्ट विच मेक्स द डिफरेंस। वेयर आर द मुस्लिम्स? विदाउट एनी एफर्ट यू कांट डिस्कवर एनीथिंग एंड यू कांट इन्वेंट एनीथिंग। The West has made effort, they have discovered so many things. मैं आपको एक और स्टेटमेंट दे रहा हूं जहां बात एंड करने लगा हूं। Whenever you are making an effort, believe that you are doing ibadat because you are following the God's instruction. If you are studying, preparing for the CSS, consider it a ibadah. आप बहुत बड़ी इबादत में हैं कि मेरे अल्लाह ने कहा था कि इम्तिहान में जा रहे हो तो तैयारी करके जाना। This is all from my side.